अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्थान ब्यावर की ओर से मंगलवार को अष्टम सामूहिक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक युवा सम्मेलन में विभिन्न जगहों से आए समाज के 27 जोड़े पाणी ग्रहण संस्कार के साथ परिणय सूत्र में बंधे विवाह सम्मेलन हेतु मंगलवार को सुबह सेंधा रोड स्थित मेघ महल से वरवधु की निकासी शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी 27 जोड़े ई रिक्शा में सवार चल रहे थे। इस दौरान हाथी घोड़े वे बैंड बाजों की धुनों पर बाराती नाचते गाते हुए चल रहे थे। मेघ महल से आरंभ हुई शोभा यात्रा आईओसी कॉलोनी गोविंदपुरा चौराहा अग्रसेन स्कूल से होते हुए विवाह स्थल रामसर बलायान स्थित मेघवाल छात्रावास पहुंची। समाज बंधुओं द्वारा जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाकर बारात शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारात शोभा यात्रा के विवाह सम्मेलन पहुंचने पर तोरण की रस्म अदा की गई। तोरण के पश्चात विवाह स्थल पर वेदियों पर अजमेर के आर्य समाज से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार सम्पन्न करवाए। इस दौरान दूल्हा तथा दुल्हनों ने विवाह के सात वचन दोहराते हुए जीवन में एक दूसरे के साथ जीने मरने का संकल्प लिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष हजारीलाल भाटी के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात भोजन तथा उसके बाद विदाई की रस्म अदा की गई। इस दौरान आयोजित समारोह में राजनीति से जुड़े मंत्री विधायक तथा जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हुए आपसी सामंजस्य से अपना जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। वक्ताओं ने कहा कि समाज में शिक्षा के प्रति आई जागरूकता का ही परिणाम है सामूहिक युवा सम्मेलन से समाज में फिजूल खर्ची पर रोक लगती है और समाज में समानता के भाव जागृत होते हैं। वक्ताओं ने अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विवाह सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाने वालों तथा व्यवस्थाओं को अंजाम देने वालों को साधुवाद दिया। शोभा यात्रा के यात्री एक तरफ हो जाएं, बाई तरफ का रास्ता पूरा खाली कर दें। आप भजन करेंगे उसके बाद में दुल्हा को पकड़ाना और जोड़ो मनमते अनुमन्ये मैं आत्मा जा।
स्वांद्र जय सामग्री है आपके सामने सामग्री है चम्मच उठाएंगे और जो ये और आपको आहुति देनी है इतने की जूते और ये समिति के साल जी जितने भी सदस्य है शिक्षा के क्षेत्र में हम उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर हमारी पीठ थपथपा रहा है और हमारे अध्यक्ष महोदय भाई हजारीलाल जी पार्टी के नेतृत्व में हम ये पूरी टीम दिन और रात लग करके सब भाइयों ने मतलब है जो समाज के साथियों ने बोली और सर्टिफिकेट सभी का आशीर्वाद अच्छा लगा और आज मेरे माता पिता और मैं चाहती हूँ कि ऐसे माता पिता सभी को कोई भी वर वधु पाटी साहब सदाराम जी साहब एक लोग आपके आपने 55,000 रुपए उन बच्चों को तुरंत अपने बच्चे दिए थे लेकिन उसके साथ ही इसके पास में जो कमरा देख रहे हैं आप लोग ये हमारे साथ में जो आप लोग जुड़े हुए वो सब जरूर कहना चाहूंगा मैं आपको करना भाटी साहब की एक पीड़ा थी अभी हमारे भगवान साहिब जरोड़े साहब हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ ऐसे गिरे बहुत कम मिलते हैं जो समाज को एक साथ में जोड़ करके और गरीब अमीर सारे छोटे बड़े लोगों का ऐसे सामूहिक विवाह में शादी हो जाना बहुत एक अच्छी बात है मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ पूरी टीम को आदरणीय जनरल साहब और पूरी टीम जो इनकी लगी है आप जैसे गुरु जी कह रहे थे कि साहब ये तो किसी कर्मचारी को परेशान करने का काम नहीं कर्मचारी क्यों परेशान करोगे भाई आप कर्मचारी को परेशान करने के लिए बने हो क्या